तो क्वेश्चन होगा कि क्लास वन ऑफिसर कैसे बना जाएगा। सीजीएल एग्जाम क्लियर करने से क्लास टू या क्लास थ्री ऑफिसर यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट मिल सकती है। यहाँ पे एसएससी सीजीएल में दो पोस्ट रहती है, ग्रुप बी में दो पोस्ट ऐसी है एसएससी सीजीएल में जिसको गैजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट बोलते हैं, जबकि बाकी की जो पोस्ट है ग्रुप बी की वो नॉन गैजेटेड है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या गैजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं। तो एस्पिरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि गैजेटेड ऑफिसर्स अपने इंडिया में एकदम हाई रैंक पे आने वाले ऑफिसर्स माने जाते हैं। ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो, भारत का राजपत्र आता है तो दैट इज़ गैजेट ऑफ इंडिया। सो अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है तो उसका प्रमोशन होता है, उसका ट्रांसफ़र होता है, कोई उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी ऑफिशियल एक्टिविटी होती है वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है। इवन उसके पास इतनी बहुत सारी अथॉरिटी होती है। माना जाता है कि गैजेटेड ऑफिसर एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ठीक है, उसके पास प्रेसिडेंट या गवर्नर के स्टैम्प भी रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं और रिस्पेक्ट तो होती ही है डेफिनेटली। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नॉन गैजेटेड में रिस्पेक्ट नहीं होती, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। बट ये एक याद रखना है आपको, जनरली जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं एक्चुअल में उनको ऑफिसर्स बोलते हैं, और ग्रुप सी और डी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए बी सी डी सबके लिए वो वैकेंसी निकालती है और सबको रिक्रूट करती है, बट ग्रुप ए और ग्रुप बी में जाते हैं उनको ही हम बोलते हैं ऑफिसर्स, जबकि ग्रुप सी और डी को सी और डी में जो जाते हैं उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, नाउ आते हैं एसएससी सीजीएल की जॉब पोस्ट पे कि कौन कौन सी पोस्ट रहती है। जॉब पोस्ट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी बनाई हुई है एसएससी सीजीएल ने। कुछ जॉब पोस्ट है जैसे कि मैंने आगे बताया कि गैजेटेड ऑफिसर्स वाली पोस्ट है जो कि ग्रुप बी की है, तो उनका पे स्केल सबसे हाई है। तो मैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट बोलूँगा वो पे स्केल वाइज रहेगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले 7th पे स्केल के अनुसार ग्रेड पे आता है। ठीक है, सो एसएससी सीजीएल की जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो 4800 ग्रेड पे की है। सो नाउ वो कौन कौन सी है 4800 ग्रेड पे की। सो 4800 ग्रेड पे में आ जाती है दो पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों आती हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जो कि कैग के अंडर काम करती है। आपको शायद कैग के बारे में पता होगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो ये ड्रीम जॉब होती है आप लोगों के लिए कि कैग के अंडर काम करना। ठीक है, ये दोनों का ग्रेड पे 4800 है और ये दो ही केवल एसएससी सीजीएल के अंदर आने वाली गैजेटेड पोजीशंस है, बाकी सब हम जो भी डिस्कस करें वो सब नॉन गैजेटेड है। ठीक है, ओके, 4800 ग्रेड पे अगर आपको नहीं पता है तो 4800 ग्रेड पे की जो बेसिक सैलरी होती है वो 47,600 से स्टार्ट होती है, वो बेसिक पे है। उसके अगर आप ट्रैवल अलाउंस लगाओगे, फिर आप उसके ऊपर एचआरए लगाओगे दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, तो ये सैलरी करीबन आपकी 65,000 से ज़्यादा हो जाएगी पर मंथ। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और ग्रेड पे के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुप बी में कुछ पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4600 है, और 4600 ग्रेड पे की जो बेसिक सैलरी होती है वो 44,900 होती है। उसके अंदर आप अगर ऐड कर दोगे एचआरए और पी ए दैट इज ट्रैवल अलाउंस, तो ये सैलरी करीबन आपकी हो जाती है अराउंड 56,000 के आसपास। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे में कौन कौन सी जॉब पोस्ट आती है। तो हमारी जो भी मिनिस्ट्री रहती है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्विसेज, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर जिसको AFHQ बोला जाता है, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस के डिपार्टमेंट हो गए, एक्साइज एंड कंट्रोल के डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सब जगह पे आपको अलग अलग जॉब पोस्ट मिलती है। जैसे कि मिनिस्ट्री में आपको जो पोस्ट मिलती है एसएससी सीजीएल से उसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसका ग्रेड पे होता है 4600। उसके अलावा जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे जो जॉब पोस्ट होती है उसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपको सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करनी है, उसका भी ग्रेड पे 4600 ही है। ठीक है, इसके अलावा 4600 ग्रेड पे से थोड़ा हम नीचे जाते हैं तो 4200 ग्रेड पे की कुछ पोस्ट है ग्रुप बी की कैटेगरी में आती है वो भी, जहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह में। उसके अलावा कैग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर डिविजनल अकाउंट की पोजिशन होती है,
फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोजीशन होती है, तो ये जो जॉब पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप सी की पोस्ट की, तो ग्रुप सी में जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है, ठीक है, जिसकी बेसिक सैलरी 29200 होती है, तो आप अलाउंसेस वगैरह ऐड करके ये अराउंड 35-37 के करीबन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर कैग डिपार्टमेंट हो गए, मिनिस्ट्रीज वगैरह हो गई, उसके अंदर ऑडिटर की पोस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हायर की देखो, तो जो 4600 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट थी उसके अंदर वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी। फिर जैसे आप नीचे जाते हो 4200 ग्रेड पे में, तो वहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट है, और आप उससे नीचे आते हो ग्रुप सी के अंदर 2800 ग्रेड पे में, तो वहाँ पे आती है ऑडिटर की पोस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट ग्रेड पे होता है 2400 ग्रेड पे, जिसका बेसिक सैलरी 25500 है। सो वहाँ पे जो कुछ पोस्ट होती है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कंट्रोल, तो ये सब जगह पे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया कि SSC CGL के अंदर कौन कौन सी जॉब पोस्ट रहती है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जॉब पोस्ट के बारे में, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है, तो वो कैसे देना है उसके बारे में भी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक जॉब पोस्ट डिस्कस करते हैं जो SSC CGL की सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस अब देते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, ठीक है। सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स जो पोस्ट है उसका सोशल रिकग्नाइजेशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप ही सोचोगे अगर आप जाते हो, अगर आप किसी को बोलते हो कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, तो जो सोशल रिकग्नाइजेशन, जो रिस्पेक्ट मिलता है वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्ट अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो प्रमोशन के चांसेस क्या रहते हैं, तो अच्छा खासा प्रमोशन भी मिलता है उसके अंदर, ज़्यादा जल्दी नहीं होता है बट अच्छा है प्रमोशन उसके अंदर। बट उसका एडवांटेज भी एक ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कि आपको अपना होम कैडर भी मिल सकता है इसके अंदर, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। सैलरी वगैरह भी जैसे कि बात की कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका 4600 ग्रेड पे में आ जाएगा, तो सैलरी तो अच्छी खासी है ही, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है, तो इसके कारण ये सब मोस्टली कैंडिडेट की फेवरेट पोस्ट होती है, ठीक है। फिर दूसरी एक पोस्ट होती है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, विच इज़ इन ED, ठीक है। सो दोनों अच्छी पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, बट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर में बहुत पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको अपना होम कैडर मिलता है, ठीक है। सैलरी सप्लीमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता है, जनरली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज़्यादा ही यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये इसीलिए बिकॉज ईडी का काम जो होता है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है कभी कभी, तो उसके कारण आपको अलाउंस भी ज़्यादा मिलते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे थोड़ी बिगड़ जाती है, हेक्टिक रहती है। बट अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद बहुत लोगों की जो प्रेफरेंस होती है, थर्ड प्रेफरेंस वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्री बोले तो यहाँ पे चांसेस ये होता ज़्यादा होते हैं कि आपको बाहर पोस्टिंग मिले, इंडिया से बाहर हमारे जो एम्बेसीज वगैरह होती है वहाँ पे पोस्टिंग मिले। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फॉरेन में जाने में बहुत रुचि है तो वो ये पोस्ट सिलेक्ट कर सकता है, इवन वो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में भी कुछ लोग रखते हैं इसको, ठीक है। तो बाहर रखते हो तो सैलरी वगैरह तो एडवांटेज होता ही होता है, ठीक है। बट अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाओगे, आप दिल्ली में भी पोस्टिंग होगी, तो लोकेशन जिसका क्राइटेरिया नहीं है ना वो ये पोस्ट प्रेफरेंस अपना पहला रख सकता है, ठीक है। और फॉरेन आपको बोलेंगे नहीं कि आपको जाना ही जाना है, वो आपके हाथ में होता है कि आपको जाना है तो जा सकते हो, वो कंपल्शन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की फिर प्रेफरेंस आती है CBI में सब इंस्पेक्टर की, तो न्यूज़ में ही आ जाएगा आपका नाम अगर आप CBI में इंस्पेक्टर हो तो, करेक्ट। तो उसका जो सोशल रिकग्नाइजेशन है लाइक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। और बट प्रॉब्लम क्या है, एडवेंचरस पोस्ट है, ट्रैवलिंग रहता है, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि उसको आप तो वहाँ पे आपको होम कैडर मिले, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की भी अगर बात करें तो हैक्टिक होता है, पुअर होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहता है, सैटरडे संडे भी कभी कभी भूलना पड़ता है, ठीक है। ओके, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर उसके लिए पहले आप प्रेफरेंस रखो, ठीक है, जो कैग के डिपार्टमेंट के अंदर है और जो गैजेटेड ऑफिसर है। फिर
जो लोग दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, जो शिफ्ट होना चाहता है परमानेंटली दिल्ली, उनको ट्रांसफ़र भी नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक बेस्ट पोस्ट होती है विच इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, खास करके महिलाओं के लिए जो कहीं पे ट्रैवल करना नहीं चाहती है, जिनको सिर्फ एक ही लोकेशन चाहिए, जिस जगह पे सेटल होना है, तो उनके लिए ये बेस्ट पोस्ट है ASO इन CSS। वर्क लाइफ बैलेंस सबसे अच्छा रहता है, CGL का मानो तो सबसे बेस्ट पोस्ट है अगर आपको एक ही जगह पे दिल्ली में ही रुकना है तो। ठीक है, ओके। ऐसी कुछ अंडररेटेड पोस्ट होती है जो आप अगर फिल करते हो तो आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको घर के आसपास ही मिल जाए जॉब। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रुप सी की जो पोस्ट बोली, टैक्स असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, तो ये सब पोस्ट होती है जो आपको अपने घर से नज़दीक मिल सकती है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डिविजनल अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट वगैरह में। ठीक है, सैलरी वगैरह जो बात करते हैं तो ग्रुप सी है तो थोड़ी कम रहती है, डिविजनल अकाउंटेंट आपका 4200 के रुपये में आ जाएगा, बट टैक्स असिस्टेंट वगैरह जो है और अकाउंटेंट है तो वो आपका ग्रुप सी में आ जाएगा, बट चांसेस होते हैं कि आपको अपना स्टेट कैडर मिल सकता है इसमें। ठीक है, ओके। तो और भी बहुत सारी जॉब पोस्ट होती है जो आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट अगर आप मुझसे पूछो कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए CGL में, तो मैं ये कभी नहीं एडवाइस करता कि जिसका ग्रेड पे बहुत अच्छा है वो ग्रेड पे को आपको पहले रखना चाहिए। मैं ये क्योंकि स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हैं तो हम ये बोलते हैं, हम आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे आप लोगों ने भी बोला होगा कि हमें तो जॉब दे दो, कहीं पर भी मिलेगी चलेगा, कहीं पर भी चले जाएंगे हम, वो 2 या 3 साल बाद आपको पता चलेगा कहीं पर जॉब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करेंगे अपने होम स्टेट में जाने का। तो हमेशा आप प्रेफरेंस ऐसे रखो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो कि आपको अपना होम स्टेट मिले। ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको किसी को एडवाइस देना है तो अभी आप उसको एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। आप इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।